ਉੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸਭ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬਾਦਨ ਕੇ ਬਾੜ ਪੈਚ ਆਵਿੰਦਾ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਵਕਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰ ਚਾਹਵਿੰਦਾ ਕਈ ਮੈਚਾਂ ਸਾਡੇ ਛੋਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੀ ਖੇੜਿਆ ਬੜਾ ਕੁਟਿਆ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ ਖੇੜ ਲੈਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹਮਦੇ ਹੀ ਪੈਣ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਖਲੋਵਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਤੋ ਜਾਂ ਹਾਰੋ ਸੀਰੀਅਸਲੀ देखिए मैं ये समझता हूँ कि इन शिकस्तों से इस तरह आ, मतलब बेताब हो जाना बेकरार हो जाना जुजबुज होना और जज्बाती होके फैसले करना मेरा तो नहीं ख्याल कि मैं किसी भी ऐसे स्टेप का साथ दे सकता हूँ उसकी तइद कर सकता हूँ कि जनाब टीम हार गई है तो अब पता नहीं तख्ते उलट दो तो। ऐसा नहीं करना चाहिए ठीक है जो दो स्कोर जो चेज किए हैं लेकिन वो भी तो देखना कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है वर्ल्ड कप के अंदर आपने 400 स्कोर के पास गए ऑलवेज बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव बिल्कुल सही बात सर लेकिन वो यही है ना जैसे आप कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा खाड़ पछाड़ होगी अब बाबर आजम को भी हटाने की बातें हो रही हैं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बॉलिंग जो अटैक है उसको भी तब्दील ये कह रहा हूँ भाईजान कैसर साहब द ग्रेट आप ये देखें कि अगर इन हालात में जब इंटरनेशनल मीडिया भी आप पे तनकीद कर रहा है जब आपका सोशल मीडिया आप पे तनकीद कर रहा है, जब आपके बाद चैनल्स आप पे तनकीद कर रहे हैं बाज़ मुबसरीन आप पे तनकीद कर रहे हैं आपके सीनियर प्लेयर्स आप पे तनकीद कर रहे हैं और तो और आपका अपना बोर्ड आप पे तंज के निस्तर चला रहा है आप पर तनकीद बल्कि पता नहीं क्या क्या मतलब क्रिमिनल किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन हालात में वहाँ खड़े रहना बाकी मैच खेल ने नहीं मेरा ख्याल बड़ी हिम्मत की बिल्कुल सही बात और साहब वैसे भी देखे अगर बाबर आजम से अगर हम नहीं जीत सके तो अगर इसको हटा के किसी और को लेकर आते हैं तो कौन है जो बाबर आजम से अच्छा खेलेगा और खिलाएगा बिल्कुल अभी इस वक्त तो टीम में कोई कप्तान नजर आता भी नहीं है बाबर आजम के अलावा शाह है तो उसकी भी फॉर्म देख लें बहुत स्टैंडिंग फॉर्म नहीं रही वर्ल्ड कप में तो लेकिन ये जो कुछ लोग हैं जैसे साहब कह रहे थे कि एक्स क्रिकेटर्स जो है वो जो बोर्ड के चहेते हैं इस वक्त वो कुछ अपने खिलाड़ी है, जैसे उमर अकमल है तब्दीलियां होंगी जैसे जुनेर साहब कह रहे हैं तो मेरे ख्याल में फिर क्रिकेट सिचुएशन में तो जा सकती है उसमें उमर अकमल के आप या कामरान अकमल के एटीट्यूड को देखो तो आप वाजे तौर पे कह सकते हैं कि ऐसे बंदे अगर क्रिकेटर ना होते तो ज्यादा से ज्यादा ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਆਪ ਬਤਾਏ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੰਡੇ ਚ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਐਵੇਂ ਜਾਲੀ ਜੇ ਪਠਾਨ ਬੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ 30 30 ਰੁਪਇਆ ਕੋਚਾ 30 30 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਕੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਰੀਏ ਹੋ કે ਤੁਸੀਂ ਕੋਚੇ ਬਣੇ ਹੋ ਕਾਮਰਨ ਅਕਬਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਹਮਾਰੇ ਅਜਬ ਗੋਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਅਜਬ ਗੋਲ ਨਾਲ ऐसा दूसरी तरफ बंग्लादेशी अदालत वकार यूनस को तलब कर रही है कि उसने शकीबुल हसन पर तनकीद क्यों की हर जाने का नोटिस भी भेजा है वकार यूनस को। ऐसे कोई बईद नहीं है हिंदुस्तानी हुकूमत से भी कि वकार यूनस कमेंट्री के, के सिलसिले में पहले ही हिंदुस्तान में मौजूद है और इंडियन गवर्नमेंट उठा के उसको बांग्लादेशी गवर्नमेंट के हवाले कर दे कि जी केस चला देते। <laughs> और उनको सजा भी दे दे साल पप्पा मच्छी खानी <laughs> <laughs> तो नाल केले। इस ना, देखे ना, कैसा इस बात है कि पूरी दुनिया के कमेंटेटर्स ने क्रिकेटर्स ने तनकीद की शिकीबुल हसन पे लेकिन वकारी उसने इतना ही कहा कि यारिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ वो अंधे को नजर आता है कि ये क्रिकेटिंग स्पिरिट के खिलाफ है हर बंदे ने तनकीद की है

तो मुझे जो लग रहा है कि इंडिया देखिए इस वक्त अनबीटेबल जा रहा है तो इंडिया का ही वर्ल्ड कप लग रहा है और इंडिया जिस तरह क्रिकेट खेल रहा है बहुत शानदार क्रिकेट बा, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग क्राउड उनके साथ है होम ग्राउंड है एडवांटेज है उनको दो का होम ग्राउंड पर वर्ल्ड कप जीत चुके हैं तो मेरे ख्याल में इंडिया के चांसेस जो है वो बाकी टीमों के मेरा ख्याल है कि इंडिया को अगर हराना मकसूद है ना किसी टीम को तो यही रखें कि जी जितना स्कोर करेगा पहली टीम इंडिया उसे दुगना करके दिखाएगी

ਸਰ ਜਦੋਂ ਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ ਆਪ ਘਰ ਮੇ بیوی ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਦੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਲੀ ਚ ਚਾਹ ਦੇ ਦੇ ਕੱਪ ਨਾ ਦੇ ਕੱਪ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਦੇ ਲੋ ਜੀ ਕੈ ਸਰ ਭਾਈ ਅਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਲਵੀ ਪੁੱਤਰੋ ਜਵਾਨੋ ਪਲੇਅਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰੋ ਕੱਢ ਲੋ ਆਪਣੇ ਵਾਈਪਰ ਤੇ ਨਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਮਾਮ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਾਰ ਲਾਈ ਜਾਓ ਹੁੰਦੇ ਝੰਡਾ ਖਾਈ ਜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਪੜ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਨਜਦਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਨਾਈ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪੈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਾਤ ਤਾਂ ਬਤਾਏ। ਅਬ ਜੋ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੋ। ਅਬ ਟੀਮ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਖੇਡਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਵਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੱਥਰੇ-ਮੱਥਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਵਾਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਨਾ ਫਰੀਦੀ ਪਲਾਉਣ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ? ਇਨੂੰ ਵਾਪਦਾ ਚ ਲਵਾਉ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਡਾ ਦਾ ਕਰਦੇ ਫਕਰ ਚਹੀਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ 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 ਫਕਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚ ਲਵਾਓ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਫਿਰੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਮੇਂ ਥਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਚ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁਕਾ ਹੀ ਦਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਆਪਨੇ ਸੈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾ ਪਰ ਦਵਾਨ ਦਾ ਕੱਟ ਛੋਟਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਸ ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਣਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਾ ਸਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ सर मैं बताता हूँ क्या करना है पूरी टीम को बुलाए खाने पर और उनके आगे रखे प्लेटें वो सालन प्लेटों में डालें पहला निवाला लगाने लगे प्लेटें खेंच लें और उनको बताएं ये हैं वो कैसा साहब कि जिनकी बदवा से आप लोग हार रहे हैं क्योंकि <laughs> हर मैच में बड़े डिफरेंट तरीके से कहते थे बहुत मुश्किल है <laughs> बहुत मुश्किल है <laughs> सारा सजा के लिया की वजह लगा के लिया <laughs> और कैसर साहब ने कहा था कि श्रीलंका अगर जीत जाए तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है श्रीलंका जीतेगा नहीं <laughs> सर साड़ा कुछ करो हरन तो बाद हो गया पहले सौन्द। भी सौड़ ला पे <laughs> नाजीन ये था आज का देश का चलते चलते एक खूबसूरत शेर मेरे कमरे की खिड़की में वो बादल सूख जाते हैं मेरे कमरे की खिड़की में वो बादल सूख जाते हैं जो आते हैं मुझे मिलने फ़कत तेरे लिए जाना